प्रथम तहलका न्यूज। वायरस के चलते हरियाणा की जेलों में भी खास एहतियात बरती जा रही है। जेलों में पहुंचने वाले नए कैदियों को पुराने कैदियों से अलग रखा जा रहा है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए चंडीगढ़ में जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार एहतियात के तौर पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे तरीके से मुस्तैद है। जेलों में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक हरियाणा की किसी भी जेल में कोई भी कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानियां बरतने की भी अपील की है। हमने प्रिकॉशन ली, जैसे पूरे देश में हर जगह थोड़ा सा सावधानी बरत रहे हैं, हम भी ये करके कर रहे हैं कि जेल में जैसे नए पेशेंट जा रहे हैं, नए जो कैदी जा रहे हैं, उनको हम अलग से रखते हैं पहले वाले लोगों के साथ में, क्योंकि वो बाहर से जा रहे हैं तो एक प्रिकॉशन, पता नहीं किसके क्या हो, और उसके बाद चेक करने के बाद ही उनसे अभी तक कोई आज तक मिक्स नहीं करा हमने। और अंदर जो जेल में है उनको हम चेक कर रहे हैं, अगर कहीं किसी को ऐसा दिखा तो आइसोलेशन में तुरंत ले जाएंगे, फिर डॉक्टर से चेकअप करके जैसा कुछ होगा। पर अब तक बहुत फॉर्चुनेट ये रहा है कि अब तक हमारी जेल में कोई ऐसा एक केस भी नहीं आया, बहुत रेयर टू रेयर है। पूरे हिंदुस्तान में अगर देखें तो 155 का आंकड़ा आया 126 करोड़ में। इसमें सावधानी रखनी चाहिए, सब पूरा एडवाइजरी भी जारी हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की, बाकी स्टेट भी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है। आजकल जैसे मॉल्स कैंसिल हो गए, हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग कैंसिल होगी, दूसरा सब होता जा रहा है, तो एहतियात रखना चाहिए। पूरे वर्ल्ड वाइड ये मामला है, पर हमारे यहाँ भी कोई ऐसे केसेस नहीं आए। पर ज़्यादा इसका क्योंकि टीवी में भी आ रहा है, फ़ोन में भी जब आप कॉल करते हैं तो बराबर पहले वो वार्निंग आती है, तो लोगों में एक चर्चा ज़्यादा है। अब फिर भी हमें एहतियात तो रखना ही चाहिए। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।